नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सोमवार को यानी 9 जनवरी को बैंक निफ्टी ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले हम फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे को SGX निफ्टी में कहाँ पे क्लोज दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे तो SGX निफ्टी 150 पॉइंट प्लस पे क्लोज हुआ है और डाउ जोन्स यानी US 30 662 ग्रीन में क्लोज हुआ है। यानी हम अभी ये मान सकते हैं कि सोमवार को भी हमारा मार्केट यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं वन डे की चार्ट में फ्रेंड्स क्या सीनियर बन रहा है फ्रेंड्स हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स ये मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है फ्रेंड्स वन डे का चार्ट निफ्टी में। फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक करोगे तो लगातार 3 दिन से उसमें सेलिंग आया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, जैसे कि 18,224 को टच करने के बाद सीधा 3 दिन नीचे आया है। आप यहाँ पे एक चेक करोगे फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में तो यहाँ से ट्रेंड लाइन जहाँ पे जा रही है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे आ रही है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसी जोन में अभी घूमने को हमें मिल सकता है, लेकिन बाय चांस अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है इसका लेवल आएगा फ्रेंड्स हम मार्क करते हैं वन डे के चार्ट में 17,770। इसको ब्रेक करता है और नीचे आता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है वन डे के चार्ट में फ्रेंड्स 17,640 और उसको भी ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट आ सकता है 17,420 आने वाले इस हफ्ते में। ओके फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स अपसाइड में तो बहुत सारी जगह पेंडिंग पड़ा हुआ इस ट्रेंड लाइन तक, तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है वन डे के चार्ट में। लेकिन अभी हम लगा लेते हैं स्क्रीन पे 15 मिनट की चार्ट में यानी सोमवार को इंट्राडे में क्या हो सकता है फ्रेंड्स निफ्टी में। फ्रेंड्स मैंने ये लेवल पहले से मार्क करके रखा हुआ है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे को 17,860 पे उसका क्लोजिंग हुआ है, तो हम पहले ड्रॉ करते नो ट्रेडिंग जोन। अगर फ्रेंड्स बाई चांस निफ्टी 17,770 से लेके 17,893 के बीच में ओपन होता है यानी इस जोन में ओपन होता है और इस जोन में ओपन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है 15 मिनट की चार्ट में। कौन सी वाली है? ये वाली ब्लू कलर की लाइन है बराबर। तो अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन का हमें रजिस्टर मिल सकता है और दूसरा रजिस्टर हमें कहाँ पे मिलेगा 17,950 के करीब इस जोन में बराबर फ्रेंड्स। और हमने जैसे SGX निफ्टी में देखा कि वो 155 पॉइंट प्लस में है तो हम भी ये मान सकते हैं कि हमारा भी मार्केट 100 पॉइंट मिनिमम गैप ओपन हो सकता है, तो उसका लेवल आएगा फ्रेंड्स 17,950 के करीब यानी इसका लेवल यही हमें अभी दिखाई दे रहा है इस जोन में ओपन हो सकता है। और अगर फ्रेंड्स अगर इस जोन में ओपन होने के बाद कुछ टाइम तक सस्टेन करता है यानी प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर अपसाइड में ये ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,000 के करीब जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है फ्रेंड्स निफ्टी सोमवार को। ओके, और अगर फ्रेंड्स प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर इसका बॉटम को ब्रेक करता है तो उसका टारगेट नीचे आ सकता है जो ये लेवल है फ्रेंड्स जो अभी बना हुआ है 17,890 के करीब जा सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो वो आ सकता है नीचे 17,800 के करीब जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है फ्रेंड्स निफ्टी 50। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा निफ्टी में। और अगर फ्रेंड्स ज़्यादा बुलिश होता है तो उसका दूसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में 18,038 तो मैंने बोल दिया आपको, उसके बाद का दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स कौन सा आएगा फ्रेंड्स ये वाला 18,128। ये रजिस्ट्रेशन दूसरा रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 18,000 अपसाइड में आएगा दूसरा 18,240 आने वाले हफ्ते के लिए फ्रेंड्स। ये थर्ड टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, और डाउन की साइड में रहेगा फ्रेंड्स हमारा ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये वीडियो में एजुकेशन प्रपोज से हुआ ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है जिसका नाम रहेगा ब्रोकरेज का नाम रहेगा फ्लैट ट्रेड। फ्लैट ट्रेड करके जो ब्रोकर है वो फ्रेंड्स आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो यानी आप कुछ भी कितने भी लॉट लो, 8 लॉट लो, 2 लॉट लो या 10 लॉट लो, इसमें आपको जीरो ब्रोकरेज देना है, सिर्फ गवर्नमेंट का जो चार्ज रहेगा वही इसमें लगता है फ्रेंड्स। तो ये दूसरे ब्रोकर से तुलना में बहुत ही सस्ता पड़ता है हमें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आइए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स आने वाले इस हफ्ते में। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो रेड कलर का मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये वन डे का चार्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चेक करोगे वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन
नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से और ये नीचे नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है फ्रेंड्स। अगर बाई चांस आने वाले हफ्ते में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यानी 41,750 ब्रेक करता है, तो उसका टारगेट आ सकता है पहला 41,565। और अगर उसके नीचे भी आएगा फ्रेंड्स, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये जो ब्लैक कलर का लाइन है 41,500, तो उसका टारगेट आ सकता है 40,800। और उसका दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में फ्रेंड्स 39,890 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में। डाउन की साइड में हमारा बैंक थी। वैसे अगर फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में अगर आप चेक करोगे तो अपसाइड में ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, तो हो सकता है यहाँ से उसको बाउंस बैक मारने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है। तो यहाँ तक जाने की पूरी पूरी संभावना है फ्रेंड्स बैंक थी। हमें फ्रेंड्स जिस साइड में जाएगा उसी साइड में हमें थ्रेड लेना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स वन डे के चार्ट। अभी हम लगा लेते हैं स्क्रीन पे 15 मिनट का चार्ट। फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक करोगे कि सोमवार को क्या हो सकता है 15 मिनट के चार्ट में, वो हम अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आप बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 42,188 पे क्लोजिंग हुआ है, यानी ये क्लोजिंग है। ओके, और अगर आप चेक करोगे लास्ट फ्राइडे का ये जो बना हुआ है फ्रेंड्स, ये ऊपर से नीचे एक ट्रेंड लाइन जा रही है और ये यहाँ से ये ऐसे लाइन जा रही है, वो एक चैनल में फंसा हुआ है। जैसे ऊपर से नीचे आता है यहाँ पे सपोर्ट लेता है, बाद में फिर से ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद उसे रेजिस्टेंस लेता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर चलाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। अभी उसका क्लोजिंग आया फ्रेंड्स यहाँ पे, कितना क्लोजिंग आया 42,188 पे। अगर फ्रेंड्स सोमवार को अगर फ्रेंड्स बाई चांस बैंक थी इसी जोन में ओपन होती है फ्रेंड्स, जिसका लेवल आएगा 42,113 से लेके 42,329, और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है फ्रेंड्स अपसाइड में, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है इंट्राडे में 42,650 के करीब जा सकता है, और दूसरा टारगेट आ सकता है 43,000 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी इंट्राडे में। और अगर फ्रेंड्स बाय चांस 42,100 ब्रेक करता है डाउन की साइड में, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 41,900, और दूसरा टारगेट जा सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में 41,765 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी सोमवार के लिए। और अगर फ्रेंड्स ज़्यादा गैप ओपन होता है, यानी कौन से जोन में ओपन हो सकता है फ्रेंड्स, इसी जोन में ओपन होता है तो हमें कुछ टाइम तक प्राइस एक्सेप्ट बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। अगर फ्रेंड्स साइड में ओपन होने के बाद अगर फ्रेंड्स डाउन की साइड में आएगा तो उसका टारगेट आ सकता है ये 42,300, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 42,100। ओके फ्रेंड्स, और तीसरा टारगेट आ सकता है 41,900। और अगर फ्रेंड्स प्राइस एक्सेप्ट बनने के बाद उस साइड में ये ब्रेक होता है फ्रेंड्स, तो उसका टारगेट मैंने जो आपको दिया है पहले 42,600 के ऊपर जाएगा, और उसको भी ब्रेक करेगा तो 43,080 की तरफ जा सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी सोमवार को। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन का एनालिसिस सोमवार के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।